हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर वीडियो सीरीज में। और आज हम पढ़ने वाले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ओमेगा टी। जैसे कि हमने साइनोसोडल का पढ़ रहे हैं, हमारे पुराने वीडियो में हमने कॉस ओमेगा टी का पढ़ लिया, तो इसमें पढ़ना है हमें साइन ओमेगा थ्री। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, एफ टी हो गया साइन ओमेगा टी यू टी, साइन ओमेगा टी यू टी। यू टी मैंने बताई दिया पुराने वीडियो में, क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसको, कोजल बनाने के लिए, मतलब राइट हैंड साइड सिग्नल बनाने के लिए। जैसे कि हमको पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या होता है, एफ एस होता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। देखो अब मैंने यू टी से मल्टीप्लाई बना दिया, मतलब राइट हैंड साइड सिग्नल बना दिया, इसका मतलब मेरी लिमिट अब कहाँ से रह गई, जीरो से इन्फिनिटी। पुराने वीडियो में देख लेना अगर नहीं समझ में आए तो। ये हो गया जीरो से इन्फिनिटी साइन ओमेगा टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। जैसे कि मैंने बताया था फ्रिक्वेंसी डोमेन में हम साइन ओमेगा टी को किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि हमने कोस ओमेगा टी को लिखा था, ऐसे ही हम साइन ओमेगा टी को लिख सकते हैं ई की पावर जे ओमेगा टी माइनस ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी अपॉन टू जे। देखो दोनों में क्या फर्क है, जब हमने कोस ओमेगा टी को लिखा था, जब ई की पावर जे ओमेगा टी प्लस लिखा था यहाँ पे, और ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी, एक तो मेरा साइन का फंक्शन था और नीचे मेरा टू से डिवाइडेड था, पर इसमें मेरा टू जे से डिवाइडेड है। तो ये मेरा फर्क है किसमें, साइन ओमेगा टी को और कोस ओमेगा टी को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो अब मैंने इसमें क्या करा, जीरो से इन्फिनिटी साइन ओमेगा टी की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी, ई की पावर जे ओमेगा टी माइनस ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी अपॉन टू जे ई की पावर माइनस एस टी डी टी। टू जे को मैंने ले लिया बाहर, टू जे लिमिट जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर जे ओमेगा टी इंटू ई की पावर माइनस एस टी माइनस ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी ई की पावर माइनस एस टी, और ये हो गया मेरा डी टी। यहाँ तक क्लियर है कि मैंने क्या किया, माइनस एस टी को अंदर मल्टीप्लाई किया है और टू जे को बाहर कॉमन ले लिया है। उसके बाद मेरा हो गया वन अपॉन टू जे, अब इसमें जीरो से इन्फिनिटी इनको अगर मैं करता हूँ तो ई की पावर देखो माइनस एस माइनस जे ओमेगा टी माइनस ई की पावर माइनस एस प्लस जे ओमेगा टी डी टी। यहाँ कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे भी मैंने क्या किया है, माइनस को बाहर लिया है, तो देखो माइनस को बाहर लिया है तो क्या हो गया मेरा, एस माइनस जे ओमेगा टी नहीं है, तो मल्टीप्लाई करके देखो, देखो ये तो माइनस एस टी और माइनस माइनस प्लस जे ओमेगा टी, तो यही बनेगा, तो मैंने इसको कॉमन ले लिया है। अब इसके बाद आ गया मेरा वन अपॉन टू जे, जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसका मैं क्या करूँ, इंटीग्रेशन कर देता हूँ यहीं पर। मैं जब इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो देखो लिमिट तो आ गई मेरी जीरो से इन्फिनिटी, एक बार ही बाहर पुट करूँगा। अब इसका जब मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो ई की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर माइनस मतलब सेम, तो ई की पावर माइनस एस माइनस जे ओमेगा टी अपॉन डिफ्रेंशिएशन ऑफ ये फंक्शन, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ इसका फंक्शन का क्या हो गया, आस माइनस एस माइनस जे ओमेगा माइनस, इसमें अगर सेम करते हैं ई की पावर माइनस एस प्लस जे ओमेगा अपॉन माइनस एस प्लस जे ओमेगा, ये आ गया, ये हमारा क्या आ गया, इनका इंटीग्रेशन। अब जब मेरा ये आ गया, इसको मैं ऊपर लिख के और इसमें फिर मैं क्या करता हूँ, वैल्यू पुट करता हूँ, तो मैं अब इसमें वैल्यू पुट करूँगा तो क्या आ गया मेरा वन अपॉन टू जे ई की पावर माइनस एस माइनस जे ओमेगा टी अपॉन माइनस एस माइनस जे ओमेगा माइनस ई की पावर माइनस एस प्लस जे ओमेगा टी अपॉन माइनस एस प्लस जे ओमेगा, लिमिट है मेरी जीरो से इन्फिनिटी। इसी को मैंने ऊपर उतार दिया एक बार जिससे कि दिक्कत ना हो। अब देखो टू जे लिमिट पुट कर रहा हूँ, इसमें जैसे कि मैंने पिछली बार किया था, इसमें लिमिट करूंगा तो माइनस इन्फिनिटी अपॉन माइनस एस माइनस जे ओमेगा माइनस, इसमें अगेन माइनस इन्फिनिटी अपॉन माइनस एस प्लस जे ओमेगा, ये होगी मेरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
तो लोअर लिमिट में करूँगा तो मैं e की पावर 0 अपॉन माइनस एस माइनस जे ओमेगा माइनस e की पावर 0 अपॉन माइनस एस प्लस जे ओमेगा, ये हमने पुट कर दी। सॉरी, तो ये हो गया मेरा 1 अपॉन 2 जे। तो देखो e की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो ये तो पूरा के पूरा हो गया क्या, 0 0 माइनस, देखो ये मैंने बाहर माइनस रख लिया, इसकी वैल्यू क्या होगी मेरी, 1 अपॉन माइनस एस माइनस जे ओमेगा माइनस, और माइनस हो गया प्लस, 1 अपॉन एस प्लस जे ओमेगा, ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब देखो इसमें से मैं इस माइनस को और बाहर निकाल ले, माइनस को मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें, और 2j इस बाहर वाले माइनस को जो मैंने मल्टीप्लाई करा, तो ये हो गया 1 अपॉन एस माइनस जे ओमेगा, अंदर हो गया माइनस 1 अपॉन एस प्लस जे ओमेगा, इस माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हुआ मेरा 1 अपॉन 2j। एलसीएम ले लिया मैंने, एस माइनस जे ओमेगा एस प्लस जे ओमेगा, तो ऊपर जब मेरा ये एस माइनस जे ओमेगा है, तो इधर तो आएगा मेरा क्या, एस प्लस जे ओमेगा माइनस, और इधर क्या आया मेरा, एस माइनस जे ओमेगा। तो देखो क्या हुआ अब मेरा 1 अपॉन 2j, तो एस प्लस जे ओमेगा माइनस एस प्लस जे ओमेगा अपॉन ये a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, ये आ गया मेरा, अब इसमें देखो इससे माइनस एस से मेरा माइनस एस कट गया, तो ऊपर क्या बचा 2j ओमेगा, तो देयर फोर 1 अपॉन 2j, और ऊपर बचा 2j ओमेगा, और नीचे क्या आएगा मेरा एस स्क्वायर, और जे स्क्वायर क्या होता है मेरा, जे स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, तो ये नीचे आ जाएगा मेरा एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, 2j से 2j, तो मेरा आ गया ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये आ गया लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ओमेगा टी यू टी, साइन ओमेगा टी यू टी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ लिए जाते हैं कि साइन ओमेगा टी का क्या होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस वो क्या कर देंगे, यहाँ पर कई बार एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ऑप्शन दे देंगे, दूसरा दे देंगे एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का ऑप्शन दे देंगे, कुछ भी इस तरह का ऑप्शन दे देंगे, तो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ओमेगा टी यू टी का होता है एस स्क्वायर ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर।